बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानिब। ये कहाँ हैं जनाब? कलर कहार से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वाक साम सर, आदिल मलिक बोल रहे हैं। जी जी सर, तुसा साड़ी रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिता, मेहरबानी करो। केड़ी रिक्वेस्ट है? हैं, इन्होंने कोई पहले लिखा था कोई? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब रिप्लाई करते हुआ। क्या है, क्या किया, क्या है? डॉक्टर साहब क्या हाल है? सेहत भी ठीक है डॉक्टर साहब। कल डॉक्टर चकवाल तो अरस कर रहे हैं। हाँ जी, तो यूट्यूब पे थोड़ा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उस तो नंबर थोड़ा चुकया। गांव का मसला एक बने हुआ कि उसके थना ते दाने निकले ने, जख्म बन गए ने। तो हम दाने इतने को हो गए ने कि थन तो सुराख बंद हो जाता, फिर चवाई वाले टाइम तो छिलक है तो वो यानी धार करनी पैंदी है, तो हाथ खून खून हो जाते ने। पोलीफैक इस्तेमाल की थी, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो ये पहला इन्होंने आदिल मलिक दस दिता। मेरी जान इस तरह है कि इनू एक अल्लाह अकबर कबीरा, ये मैं थानू अगे मेरा ख्याल दसिया सी इनू कि करो इदी पूरा एक को एंटीबायोटिक का कोर्स करा दियो। इनू नहीं है तो पंजी पंजी सीसी दे टीके लाओ, एम पी कलॉक्स दे पंजी पंजी दे सीसी दे चार टीके। ये सून वाली तो नहीं है? अगर सून वाली है तो फिर भी मैंने दसो। और ये एरोडेक्स एक क्रीम मिलती है, वो क्रीम लाओ। इन्हें जिन्हें भी जख्म ने या दाने ने उन्होंने उत्ते क्रीम लाओ, और नाल इनू अगर ये प्रैगनेंट नहीं तो एम पी कलॉक्स दे पंजी पंजी सीसी दे चार दिन टीके ला दो बिस्मिल्ला करके। अल्लाह फजल करेगा, ठीक हो जाएगी।